औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है बहुत ही ज़बरदस्त है कशानदार नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है दिमागी कमज़ोरी, चक्कर आना, सर का दर्द करना। बहुत ही शानदार नुस्खा है, इस नुस्खा को बनाई इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से दिमागी कमज़ोरी, सर दर्द करता रहता हो या चक्कर आते हो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दिमागी कमज़ोरी की वजह से आँखों में दर्द रहता है या गर्दन के पट्टे दर्द करते रहते हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इस नुस्खा के इस्तेमाल से। नुस्खा कुछ जो नाज़रीन, आपने लेने मगज़ अखरोट, फिलफिल स्याह, बादियान, कूजा मिश्री, उस्तखदूस आपने लेना है 10 ग्राम, मगज़ अखरोट आपने लेना है 50 ग्राम, फिलफिल स्याह 20 ग्राम, बादियान 50 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम। तमाम अद्वियात जो आपने आला क्वालिटी की लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है, एक नंबर लेनी है, इन सब को आपने अच्छे तरीके से यानी कि कूट लेना, सफ़ूफ बना लें। आपकी दवा तैयार है। जो है आपका मगज़ अखरोट वो आप बाद में शामिल कर ले, बल्कि पहले दूसरी चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीक पीस कर बाद में आपने मगज़ अखरोट उसमें डाल के बारीक कर लेना, फिर आसानी के साथ सारी चीज़ें बारीक हो जाएंगी। इसकी जो खुराक है नाज़रीन, आधी चमची से लेकर 1 चम्मच तक है। सुबह शाम खाली पेट हमरा ताज़ा पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं, दूध में थोड़ी सी सौंफ डाल के उबाल लिया करें, उसके साथ इस्तेमाल करें। इसके जो फ़ायदे हैं, सर दर्द करना नया हो या पुराना, यानी कि सर ऐसे मरीजों कहते हैं जिनका सर दर्द बहुत रहता है पुराना या नया, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। दिमागी कमज़ोरी है, चक्कर आते हैं, दिमाग के ऊपर बोझलपन में सा हो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चलते फिरते कहते हैं कि उन्हें चक्कर आते रहते हैं, या उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जिनकी कानों की खराबी की वजह से चक्कर आते हैं, यानी कि जिन लोगों के कानों में कोई ख़राबी बनी है उनके लिए भी नहायत मुफीद नुस्खा, मुजरब तरीन दुआ है इंशाल्लाह। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। इस नुस्खा को कम अज़ कम आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें, अगर कोई तकलीफ थोड़ी बहुत रह गए तो इसको मज़ीद आप 1-2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको बनाए इस्तेमाल करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तो इस्तिग़फ़ार किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।